क्वाड्रेचर नलिफेक्ट कैसे अकर करता है, ठीक, उसकी प्रूविंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिमिलर यहाँ पे भी वैसे ही हम कर सकते हैं। सी टी इज इक्वल टू, अगर हम ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई ले लें, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कुछ एम टी कॉस फाई आएगा, मीनिंग ए सी स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस फाई आएगा। ठीक, तो बाई मिस्टेक मान लो अगर फाई 90 डिग्री हो जाए, जहां वन है ठीक वहां आना चाहिए था ए सी स्क्वायर बाई टू, बट फाई के 90 डिग्री होने की वजह से वो वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और तुम्हारा जो रिसीवर है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि जीरो रिसीव हुआ या वन रिसीव। बेसिकली उसको लगेगा कि जीरो रिसीव। अच्छा, बैंडविड्थ के चलने से पहले हमें ये बताओ कि जो यहाँ पे एम टी सिग्नल हमने बनाया, मीनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डिजिट, ये मेरा एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल? ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल? सर इसकी बाइनरी कितनी होगी वो लिमिटेड है सर, ये एनर्जी सिग्नल होगा तो इसका एक एंड है। ये एनर्जी सिग्नल, तो ये एक और डिफरेंस है। जब तुम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एएसटी की बात करते हो तो वहां पे तुम बैंडविड्थ और पावर की बात करते हो, ठीक, यहाँ पे तुम बेसिकली क्या है किसकी बात कर रहे हो, बैंडविड्थ और एनर्जी की। यहाँ पे हम बात करेंगे एनर्जी की, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी सिग्नल, तो हम डिफरेंट बिट्स को ट्रांसमिट करने में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी हम बात करेंगे। ठीक, नाउ अब जब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं, ठीक, इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल एएसटी मॉड्यूलेशन, तो वहां पे एक बिट को ट्रांसमिट करने जो ये उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, एक बिट को ट्रांसमिट करने में जितनी बैंडविड्थ रिक्वायर है उसी को हम एज अ बैंडविड्थ लेके चलते हैं, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। नाउ लेट्स से कि ये मेरे पास एक स्क्वायर पल्स है, इसका ड्यूरेशन कितना है TB. अगर इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमें कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा, और यहां से हम इस फोरियर ट्रांसफॉर्म से हम क्लियरली बता सकते हैं कि भाई इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 1/TB, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है 0, दैट मींस इस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 1/TB, कि बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 1/TB। ठीक, ये बैंडविड्थ 1/TB कब है, जब सिग्नल, तो तुम्हारा सिग्नल का मॉड्यूलेशन नहीं हुआ, तुम्हारे सिग्नल का मॉड्यूलेशन नहीं हुआ तब बैंडविड्थ कितनी है सिग्नल की 1/TB। और यहाँ पे टीबी क्या है, बिट ड्यूरेशन। ठीक, याद करो जब हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे तब हमने बताया कि तुम्हारा जो बिट रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बिट ड्यूरेशन, यानी बिट रेट इज इक्वल टू क्या होता है 1/बिट ड्यूरेशन।
यानी अगर ध्यान से देखें तो ASK की बिफोर मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ किसके बराबर है, बिट रेट के बराबर, यानी आरबी के बराबर। और ये आरबी हम पढ़ चुके हैं किसके बराबर है, एनएफएस के बराबर। ठीक है, कई सारे सवाल उठे होंगे। तो देखो फर्स्ट थिंग ये कि हमने इसको आरबी इज इक्वल टू एनएफएस इसलिए लिखा कि जब भी हम किसी डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं, 1010 वाले सिग्नल की बात करते हैं, दैट मींस उसको हमने किसी ना किसी एनालॉग सिग्नल से कन्वर्ट करके बनाया होगा। फिजिकली या प्रैक्टिकली हमारे पास नेचर में डिजिटल सिग्नल अवेलेबल नहीं होता है, नेचर में जो भी अवेलेबिलिटी है वो एनालॉग सिग्नल की ही रहता है। मीनिंग जब डिजिटल सिग्नल को हमें ट्रांसमिशन करना होगा तो हमें क्या करना पड़ा होगा, पहले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना रहा होगा, फिर उसका हम मॉड्यूलेशन वगैरह कर रहे होंगे। ठीक, जब एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे होगे दैट मीन्स पहले तुमने उसकी सैम्पलिंग की होगी, फिर क्वांटाइजेशन किया होगा, फिर उसके बाद उसकी इनकोडिंग की होगी, है ना। तो जब सैम्पलिंग की होगी, इनकोडिंग किया होगा, That means आपने पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज किया होगा या DPCM यूज किया होगा या डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज किया होगा, और सभी के केस में बिट रेट इज इक्वल टू क्या होता है, NFS। और हम जो बिट ड्यूरेशन देते हैं वो किसके बराबर होता है, 1/bitrate। किसी मैसेज सिग्नल को जब सैंपल करके उसका जब इनकोडिंग करके उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाया, जो बिट ड्यूरेशन रहेगा वो कितना रहेगा, 1/bitrate। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है, कि कई बार हो सकता है तुमसे क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि एक सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक, ASK मॉड्यूलेशन को यूज करके, और वो जो डिजिटल सिग्नल है उसको हमने सैंपल किया था इस सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी पे और इनकोड किया था इतनी बिट यूज करके, तो ये बताओ कि हाँ भाई उस डिजिटल सिग्नल की बिफोर मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ कितनी है और आफ्टर मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ कितनी है। इस तरह की क्वेश्चन तुम्हें मिल सकती है। अब अगर जब मॉड्यूलेशन कराओगे, यानी तुमने क्या किया, अगर हम स्पेक्ट्रम के रेफरेंस में देखें तो तुमने इस मैसेज सिग्नल को ट्रांसलेट करा दिया FC frequency। हम ऑलरेडी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब कर रहे थे तो हमने देखा कि मैसेज सिग्नल को अगर तुम AC cos omega CT से मल्टीप्लाई कराते हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, तुम्हारा जो स्पेक्ट्रम है वो FC फ्रीक्वेंसी से ट्रांसलेट कर जाता है। तो आफ्टर मॉड्यूलेशन जो तुम्हें स्पेक्ट्रम मिलेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो कुछ इस तरह से। अब इस सिग्नल को देख के इसकी बैंडविड्थ बताओ, बैंडविड्थ बाद में बताना, पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ, हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। प्रतिष्ठा है, यस सर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, एफसी प्लस 1/tv। लोएस्ट FC minus 1/tv। तो बैंडविड्थ कितनी होगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 2/tv, ठीक, या 2 RB। अब ध्यान से देखो, जैसे हम लोगों ने एनालॉग मॉड्यूलेशन देखा था, चाहे वो DSB SC हो या AM हो, वहां पे भी बैंडविड्थ तुम्हारी क्या थी, आफ्टर मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ डबल हो जाती थी मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे भी बिफोर मॉड्यूलेशन आरबी है बैंडविड्थ और आफ्टर मॉड्यूलेशन कितनी है बैंडविड्थ, 2 RB। अगेन यहाँ पर भी वही डबल होती हुई दिखाई दे रही है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, नेक्स्ट हमें जो देखना है वो क्या है, एनर्जी पर बिट। मीनिंग जब हमने 1 ट्रांसमिट किया तब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी,
जब हमने जीरो ट्रांसमिट किया तब कितनी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है। तो जब वन ट्रांसमिट कर रहे हैं अगर हम वन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जब वन ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो एस टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा एस वन टी के। एस वन टी क्या है ए सी कॉस टू पाई ओमेगा सी टी ठीक है। अच्छा ये लिमिटेड है इसका लिमिटेशन है जब टाइम लेस देन टीबी हो और ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो से टीबी ड्यूरेशन के बीच में एस वन टी एग्जिस्ट कर रहा है यहां। जीरो से टीबी ड्यूरेशन के लिए एस वन टी एग्जिस्ट कर रहा है ये। एस वन टी का मतलब क्या है जब बिट वन ट्रांसमिट हो रही है तो एस टी की वैल्यू। और इसी तरह से एस टू टी का मतलब क्या है जब बिट ट्रांसफर हो रही है बिट जीरो ट्रांसमिट हो रही है तब एस टी की वैल्यू। तो जीरो से टीबी ड्यूरेशन के लिए ही दोनों सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं। जीरो से टीबी या टी से टू टीबी या टू टीबी से थ्री टीबी मतलब ओवरऑल देखें तो ये जो एस वन टी है ये भी टीबी ड्यूरेशन के लिए ही एग्जिस्ट करता है। एस टू टी भी टीबी ड्यूरेशन के लिए ही एग्जिस्ट करता है। तो जब एनर्जी सिग्नल हम की बात करते हैं तो एनर्जी सिग्नल उन्हीं को तो कहते हैं जिनका एक फाइनाइट ड्यूरेशन हो जो एक फाइनाइट ड्यूरेशन में एंड हो रहे उसी को तो हम एनर्जी सिग्नल कहते हैं। जब एस वन टी का हम अगर एनर्जी निकालेंगे जैसे उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई सफिक्स में बी ठीक। सफिक्स में बी क्यों लिखा है क्योंकि एनर्जी पर बिट है ठीक। अगर हम टोटल देखने लगेंगे पूरा एक साथ तो वो हमें एक पीरियोडिक वेव की तरह दिखाई देगा। इसीलिए हम बात एनर्जी पर बिट की कर रहे हैं ठीक है ना। इसको जीरो से टीवी तक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी ठीक। अब क्योंकि मेरा जो एस वन टी है वो डिफाइन है जीरो से टीबी के बीच में उसकी एनर्जी कितनी हो गई जीरो से टीबी एस वन टी होल स्क्वायर डी टी दैट इज जीरो से टीबी ए सी कॉस ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। और इसको जब इंटीग्रेट करोगे ठीक है हमने कई बार इस तरह का इंटीग्रेशन कराया हमने अज्यूम करके चल रहे हैं कि तुम्हें आता है। तो EV is equal to क्या आएगा AC square TB by 2। ये basically energy required है अगर तुमको one bit यानी one binary one को transmit करना जूल ठीक। जब binary one को transmit करना है तो तुम्हें minimum इतनी energy required ठीक। इसी तरीके से अगर हम जीरो का ट्रांसमिशन करें तो कितनी एनर्जी लगेगी जीरो ट्रांसमिट करने में हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अरे जब वोल्ट कुछ ट्रांसमिट ही नहीं करना है जब कुछ ट्रांसमिट ही नहीं करना है तो एनर्जी क्यों लगेगी भाई। जब हम जीरो जब बाइनरी जीरो का की बात करते हैं तो हम एब्सेंस ऑफ करियर की बात करते हैं और जब करियर ही नहीं है कोई ऐसा सिग्नल है ही नहीं जिसको हम ट्रांसमिट कर रहे हो तो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी जीरो ठीक। ऑन ऑफ का मतलब क्या हुआ जब हमें एनर्जी सप्लाई हो रही है जब ये वाला टाइम जब हम वन ट्रांसमिट कर रहे थे तब हम ये वाला पार्ट ट्रांसमिट कर रहे थे अपने एंटीना से ठीक। जब जीरो आया तो हमने यहाँ पे कुछ भी ट्रांसमिट नहीं किया भले ही हम इसको एस टू टी से लेकर आए लेकिन हमने कुछ ट्रांसमिट नहीं किया। जब कुछ ट्रांसमिट ही नहीं किया तो उसको
उसमें एनर्जी कहां से देगी, है ना? तो वन को ट्रांसमिट करने में जो एनर्जी लग रही है वो कितनी लग रही है, ए सी स्क्वायर टी वी बाई टू, और जीरो ट्रांसमिट करने में तुम्हारी एनर्जी कितनी लगेगी, जीरो। ठीक। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम से कम रहे, जितनी मिनिमम पॉसिबल हमारी एनर्जी लग सके उतना अच्छा। ऐसे ही हम वहां पे भी देखते थे ना कि पावर जो होती थी, हम चाहते थे कि कम से कम पावर यूज हो। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, चैट बॉक्स में अपनी सब लोग अटेंडेंस मार्क कर दो, अगर किसी को डाउट हो कुछ तो अपना डाउट क्लियर कर लो। जिनको डाउट नहीं है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करके नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। Thank you.